राजधानी रायपुर में धोखाधड़ी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। तेलीबाना थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है, जिसमें आरोपी विकास सिंह परिहार, जो कि एलपी फॉर्म कार्यालय जोरा में पिछले 2 वर्षों से अकाउंटेंट का कार्य करता था और उसी के हाथ में फार्म हाउस के पैसे रहते थे। इसी दौरान फार्म के खाते से स्वयं पत्नी और अपने रिश्तेदार के खाते में 2,12,69,000 रुपए को ट्रांसफर कर धोखाधड़ी किया है, जिसके बाद प्रार्थी फार्म हाउस के संचालक सुनील कुमार अग्रवाल रायपुर महावीर नगर अमलीडीह का रहने वाला है। उन्होंने तेलीबाना थाने में आरोपी विकास सिंह परिहार के नाम से धोखाधड़ी करने का आरोप दर्ज कराया है। घटना के बाद से आरोपी विकास सिंह परिवार फरार है। ये एलएलपी फॉर्म है, इनका कार्यालय है जोरा में, इसके संचालक है सुनील कुमार अग्रवाल। इनके द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था कि इनके फॉर्म में अकाउंटेंट है विकास सिंह परिहार, इनके द्वारा जो इनके खातों का संचालन करते थे, इनके द्वारा इनके खाते से अलग अलग खातों में अपने यूज़ के लिए लगभग 2 करोड़ के आसपास की रकम ट्रांजेक्शन की है। जांच पर से अपराध कायम किया गया। ये लगभग 2 साल के आसपास से इनके फॉर्म में काम करते थे और लगातार इनके द्वारा ये कृत्य किया गया था। ये लगातार खातों में इनका संचालन कर रहे थे, बीच में इनके द्वारा अवकाश लेकर यहाँ से ऑफिस से छुट्टी ली गई थी, उसके बाद ये वापस नहीं आया काम में। फ़ोन करने पर इनके द्वारा आ रहा हूँ करके बताया जा रहा था, फिर इनके द्वारा तहकीकात की गई, तब इसमें आरोपी एमपी का रहने वाला है।